बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, 101वां यानी 101st डे आज है श्री बीतक साहेब। तेरे संगी तोहे अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार, श्री महमत मन को दृढ़ कर समरथ श्याम भरतार। ये जो बहुत सुंदर प्रकरण 3 श्री किरंतन के उतरे हैं महावजी भाई यानी मस्कत बंदर स्थान पर, महावजी भाई के स्थान पर, बहुत सुंदर उन्हीं में ये चौपाई आती है। आज पूरा इनका अर्थ भावार्थ सहित पढ़ेंगे अति सुंदर टीका में से। आइए सबसे पहले चलते हैं अंजू गिलोत्रा जी अति सुंदर वाणी गायन, और सुषमा जी भी अर्जी गायन के लिए आज उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। अंजू जी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथियों, सोनिया जी आपको मेरा कोटान कोट प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरी सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरी सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पीयू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र नियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे नेत्र नियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुख धनी जी को सुंदर, धन धन धनी चित चुभियो अंदर। धन धन मुख धनी ओ अति सुंदर, धन धन धनी चित चुभियो अंदर। धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म सेना छोड़ू एक खिन। धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म सेना छोड़ू एक खिन। धन धन सखी मैं सज सिंगार, धन धन धनियों को करे अंगीकार। धन धन सखी मैं सज सिंगार, धन धन धनियों को करो अंगीकार। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मैं सेज सजाई, धन धन सखी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई सायत, धन धन विलसी मैं पिया सो आयत। धन धन सखी मेरे सोई आयत, धन
धन धन विलसु मैं पिया सो आयत, धन धन सखी मैं भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर संकुल मान, धन धन सखी मुझ पर संकुल मान, धन धन सखी मेरी सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। अब बस हमारे भी ये सारे दिन धन धन होने वाले हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर प्रणाम अति, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अपने अति सुंदर प्रसंग की ओर। आइए चलते, चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोई, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्रसंग, रे मन सृष्ट सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार, असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार, तू छोड़ आप विकार। कहते हैं हे मन, महामती जी कह रहे हैं हे मन, ये सारी जो सृष्ट है ना, सृष्ट सकल सुपन की है, ये सारी सृष्टि सपने की है, यहाँ पर अखंड सुख ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो सपने की तरह नष्ट हो जाने वाला है सब कुछ, तू करे तामे पुकार। कहते इन स्वप्न के जीवों के बीच में पुकार करते रहो, अखंड ज्ञान की वर्षा करते रहो यहाँ पर क्या होगा, असत सत को ना मिले। ये माया के जो जीव है ना, तृष्णा में डूबे होने के कारण माया के ये जीव जो असत हैं, उस सत को प्राप्त नहीं कर सकते, उस अविनाशी पार ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते, चाहे इनके बीच में अखंड ज्ञान की वर्षा होती रहे, सारा दिन चाहे उनको सुनाते रहो, पर वो उस अविनाशी पार ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके अंदर अंकुर ही नहीं है। तू छोड़ आप विकार, क्या करेंगे, चर्चा में बाधाएं खड़ी करने वालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली खिन्नता के विकार को तुम ही छोड़ दो, ये नहीं सुधरेंगे, ये ठीक नहीं होंगे, ये दुर्व्यवहार करते रहेंगे, ये दिल को चोट पहुंचाते रहेंगे, पर तुम उस खिन्नता के विकार को, वो जो तुम्हारे अंदर ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये जो विकार खिन्नता का पैदा हो रहा है ना, उसको छोड़ दो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, क्योंकि जो बने ही छिद्र ढूंढने के लिए हैं, वो तो छिद्र ही ढूंढते रहेंगे, हीरे में से भी छिद्र ढूंढ लेंगे कि ये इतना चमकता है कि मेरी आंखों को चुभता है। पंजाबी में एक बोलते हैं, आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, मतलब आटा गूंदते हुए तुम हिल क्यों रही हो, ये छिद्र ढूंढ लेंगे कि आटा गूंदने के लिए तो हिलना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, वो ऐसा छिद्र ढूंढ लेंगे जो छिद्र होगा भी नहीं। तो कहते हैं चर्चा में भी बाधाएं खड़ी करेंगे, अच्छे कामों में भी बाधाएं खड़ी करेंगे, वो दुर्व्यवहार भी करेंगे,
पर उनसे उत्पन्न होने वाली खिन्नता के विकार को हम सबको ही छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे लिए भी सिखापन है, हम सब सुंदर साथ के लिए ये सिखापन है, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि ये सृष्टि सपने की है। इसमें जितना मर्जी ज्ञान बांटते रहो, पर आएगा कौन? ये इसका अर्थ ये नहीं है कि ये वर्षा नहीं करनी है, ये किसी को नहीं सुनाना है। हमें नहीं पता सुंदर साथ जी किसके अंदर कोरा जीव जीव सृष्टि और किसके अंदर ईश्वरी, किसके अंदर ब्रह्म सृष्टि बैठी हुई है। हमें अपना फर्ज निभाते जाना है। उसमें से जिसको चोट लगेगी, ब्रह्म सृष्टि एक लवे होसी टूक टूक, वो सुनेगी, वो जिज्ञासु होगी, वो ढूंढ रही होगी, उसका मन नहीं लग रहा होगा किसी प्रकार की पूजाएं करने में, वो नहीं करेगी देवी देवताओं की, कर भी रही होगी, ऐसे घर में भी होगी कि बचपन से कर रही हो, पर दिल से कहीं आवाज जरूर आ रही होगी कि आई डोंट बिलोंग टू ऑल दिस, मेरा भरतार कोई और है। अंदर खोज होगी, खोजी प्रवृत्ति की जरूर होगी। तो इसलिए अपना कर्तव्य निभाने से चूकना नहीं है सुंदर साथ जी, पर माया के इन जीवों को जितना मर्जी देते रहो, उन पे कोई कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। रे मन, कितना सुंदर समझा रहे हैं, रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगर। ये जीव सृष्टि सुंदर सा जी नींद से ही सपना प्रकट होता है, अर्थात मोह तत्व में ही, माया में ही जीवों का प्रकटन होता है। तो ये जो जीव है ना, इनका घर यहीं पे है, माया यानी मोह में ही इन्होंने खत्म हो जाना है। कहते वो उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं। ये जीवों के लिए बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि हम तो हैं ही नहीं, हमारे साथ लगा हुआ है सुंदर साहब जी, कोरी जीव सृष्टि नहीं, अंगना भाव है, पर लगा ये हुआ है। जिसका ये होता है ना, जिसकी ये नेचर होती है ना, जो कितने हजारों करोड़ों सालों से, अरबों सालों से, जब से ये ब्रह्मांड बना हुआ है ना, जन्मों जन्मों के संस्कार इस जीव के साथ भी लगे हुए हैं, वो बार बार उधर जाता है। हमें अपनी बात पकड़ लेनी है सुंदर साहब जी, जीवों की निंदा नहीं करनी हमने, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा यदि लाभ में रहेंगे ना सुंदर साहब जी, इस समय वर्तमान टाइम पे, इस कलयुग में, 28वें कलयुग कलयुग में मोस्ट बेनिफिटेड जो सृष्टि रहेगी ना, वो जीव सृष्टि है, क्योंकि जिसने आज तक अखंडता का मुंह नहीं देखा था वो अखंड हो जाएंगे। ऐसा प्रसाद पिया देके जाएंगे, वो भी किसको शोभा देके, ब्रह्म सृष्टि तुम्हारे कारण इनको मिलेगा ये, और तुम दोगी, तुम्हें शोभा दूंगा मैं इसकी। सबसे ज्यादा लॉटरी जिसकी निकली है ना, वो जीव सृष्टि की निकली है सुंदर साहब जी, और हम क्या करते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, उनका मूल तन है ही नहीं कहीं पे, उनका मूल घर है ही नहीं वहां पे, तो वो उनपे नहीं भी असर होता तो इट्स ऑल गुड, दे डोंट बिलोंग टू परम धाम। हमारा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा यदि नुकसान होगा ना, तो वो ब्रह्म सृष्टि का होगा। यदि, क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्तर ऊंचा होता है ना, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा होती हैं। घर में सबसे समझदार बच्चा होगा ना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं पेरेंट्स को। जिस बच्चे को समझ ही नहीं आती ना ज्यादा, उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, नहीं तुम इतना ही कर लो, इतना ही बहुत। तो ब्रह्म सृष्टि से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं पिया जी को, क्योंकि हम, हमारी गरिमा बहुत है सुंदर साथ जी, हम अंगनाएं हैं, हृदय के अंग, हृदय को अंग बोला जाता है, अंग के भी अंग हैं सुंदर साथ जी हम, उनका रोम रोम हमसे बना हुआ है, उनके तन के भी अंग, हृदय के भी अंग। कहते तुम्हारे बिना मेरा कोई भी अंग नहीं बना हुआ। हमारी गरिमा कितनी ज्यादा है, तो हमें जीव सृष्टि से कंपेयर नहीं करना, वो ऐसे करते हैं हम भी करें, नहीं, उनको हमारे जैसे करना चाहिए। हम अपनी रहनी दिखाएंगे तो किसी को इम्प्रेस करेंगे सुंदर साथ जी, हम तो उन्हीं के पीछे लगे जा रहे हैं, पूरा दिन पूरा समय घंटा उन्हीं की तरह, या तो कमाने में, या खाने में, या सोने में, या गप्पे मारने में, या इधर उधर टाइम पास करने में,
जीव सृष्टि की नकल नहीं करनी है, उनका कोई मूल ही नहीं है सुंदर सा जी, वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं चले जाते हैं। वो तो देखिए हमारे यहाँ आने की वजह से अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, कुछ ना करके भी अखंड मुक्ति, आठवीं बहिष्त तो मिल ही जाएगी। आठवीं बहिष्त भी कोई छोटी बात नहीं है, योग माया में है सुंदर सा जी। सारी बहिष्तें आठवीं कोई काल माया में नहीं बना दी है, योग माया में पहुंच जाएंगे। ये स्वप्न के जीव इतने सौभाग्यशाली हैं, और हम जहां से आए हुए हैं, पिया जो लाड़ देने हमें आए हुए हैं, सोचिए लास्ट मोमेंट पे भी बहुत सुंदर पियाजी ने चौपाइयों में लिखा हुआ है, लास्ट मोमेंट पे भी कुछ ब्रह्मांगनाएं ऐसी होंगी जो आंखें मलते हुए ही उठेंगी और रोती हुई उस समय खुशहाल करेंगे पिया उनको। हक हसत है हम पर कि क्या मैं तुमको देने आया था, पर कहते हैं अंत में फिर भी खुशहाली दे के जाएंगे। क्यों? क्योंकि परम धाम की रीत नहीं है रोते हुए लेके जाने, ना रोते हुए लेकर आए थे ना रोते हुए लेकर जाएंगे। हम तो हंसती हुई आई थी, हम तो बड़ी खुश थी, हम तो खेल देखने जा रही हैं, हंसते हुए लेकर भी जाएंगे, रोते हुए नहीं लेके जाएंगे किसी को भी। चाहे लास्ट मोमेंट पे अपना दीदार दें, उनके दीदार में खुशहाली है सुंदर साची। और उस खुशहाली के बहुत सारे पल, बहुत सारे वर्ष हम सहेज सकते हैं, समेट सकते हैं, आज भी समय बचा है। लास्ट मोमेंट हुआ तो कितना पछतावा भी होगा तब, कि मैं कितना समय पिया के साथ यहाँ वो लाड ले सकती थी जो मैंने नहीं लिए। मैंने तो दूसरों के तकले तोड़ने में जो कात रही थी, उनके गुनाह भी अपने सर पे ले लिए कि कातती हुओं के भी तकले मैंने तोड़ दी। अपना तो काता ही नहीं, दूसरों को भी कातने नहीं दिया तो कितना पछतावा होगा सुंदर सार जी। आइए हम भी कातना शुरू करें, और जो अभी पोनी रख के ही बैठी हैं उनको भी मदद करें। पहले खुद का शुरू करेंगे तो कातना आएगा, तो सुंदर साथ जी सहयोगिता निभाएंगे और सखी के साथ। आइए प्रेम दें सुंदर साथ को, खूब खूब प्रेम बांटें सुंदर साथ जी। हील राज जी ने बहुत हीलिंग पावर दी है हमारे अंदर। हम कोई आम जीव सृष्टि नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर सिलने की शक्ति दी है राज जी ने, बल दिया है हमें, काटने का नहीं सुंदर साथ जी, गरिमा नहीं है वो हमारी, सिलने का बल दिया है हमारे पास। कहते हैं हील करो, सबके जख्मों को हील करो, सबके दर्द को हील करो। बुलिया कहते हैं जे तू किसे दा फट नहीं सीता ते पूरी जिंदगी की किता। बहुत सुंदर ये हमने सुना था कि अगर किसी का सिला नहीं, हील नहीं किया किसी के दर्द को, किसी के दुख को, तो जीवन में किया क्या? ये तो बुल्ले शाह भी जानते हैं। हमारी वाणी तो कितना कुछ सिखाती है, मिठास से सब कुछ हील किया जा सकता है सुंदर सा जी। कहते हैं इनका तो घर ही नींद में है, ये नींद के बिना नहीं रह सकते। पर हम क्यों ये वाली दिनचर्या हमारी क्यों है सुंदर सा जी? हमारा घर नींद में नहीं है, अपना सोचते जाना है साथ साथ। निंदा बहुत कर ली जीवों की, अरे जीव ऐसे करते हैं, ये कर्म कांड करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ। रहनी आए ना, कलेक्टिव बांटना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। रहनी की बात आती है ना, हम ऐसे करें, ना 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 मैं करूं, हर कोई करेगा अपना अपना, हम में बंट जाती है सुंदर साहब जी। मेरे लिए सिखापन दिया है, मेरा घर परम धाम में है तो मैं परम धाम के बिगर कैसे रह रही हूँ? मेरे से तो जीव ही अच्छे हैं जिनका घर नींद में है, नींद के बिना रह नहीं पाते वो। कितनी सुंदर रहनी है उनकी, नींद है, नींद के बिना रह नहीं पाते। मेरा तो परम धाम में है, मैं नींद के बिना क्यों नहीं रह पा रही हूँ, मैं क्यों इसमें फंसी पड़ी हूँ? वो अपने घर से कितना प्यार करते हैं जी, मैं अपने घर से इतना प्रेम क्यों नहीं कर पा रही हूँ? लज्जा से झुक जाना चाहिए जीव सृष्टि की रहनी देख के भी। या को कोट बेर पर बोधिए तो भी गले नहीं पत्थर,
कहते हैं इनको प्रबोध कर लीजिए, करोड़ों बार इनको प्रबोध कर लीजिए, वो अपनी नींद नहीं छोड़ेंगे। कई बार हम कहते हैं ना, हम बहुत समझाते हैं पर उन पे असर नहीं होता है। कई बार कहते हैं ना, बहुत बार सुनाने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा है। तो श्रीमुख वाणी में लिखा हुआ है, कोट बेर पर बोधिए, पर हमें पता नहीं है सुंदर साथ जी, हमारी दृष्टि सतगुरु जैसी नहीं है कि हमें पता लग जाए कि इनके अंदर आत्म बैठी है या नहीं, इसलिए हमें बेर बेर प्रयास करते जाते। पर जो जीव सृष्टि होगी वो गले नहीं पत्थर, पत्थर कभी नहीं गलता सुंदर साथ जी। इन्हें क्या कह रहे हैं ये देखिए, पूरा स्वामी जी के उनसे पढ़ते हैं पहले उनके शब्दों में। हे मन, नींद से ही सपना प्रकट होता है, अर्थात मोह तत्व में ही जीवों का प्रकटन होता है, इसलिए वो माया को छोड़ नहीं सकते। यदि इन्हें करोड़ों बार भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए तो भी ये गलित गात होने वाले नहीं है, ये गलने वाले नहीं है, अर्थात पार ब्रह्म के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव में डूबने वाले नहीं है। इनको करोड़ों बार भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए, ये तो है जीवों को। हम कौन है सुंदर साथ जी? सो कॉल्ड ब्रह्म सृष्टीज, हम अपने आप को कहते हैं ऐसे, पर करोड़ों बार, कितनी बार श्री बीतक साहब हमने सुनी होगी, रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं सुंदर साथ जी हमने सुनने में, की कितनी बार है। जीवन में कोई भी प्रसंग ऐसे आते हैं, दुख के आते हैं, सुख के आते हैं, रोज घटनाएं होती हैं, तो सुंदर साथ जी हमारा प्रेम भाव, हमारा समर्पण, हमारा ईमान कितनी कितनी बार हिल जाया करता है, ये जरूर ध्यान में रखना है। करोड़ों बार हमने भी, बहुत बार श्री बीतक साहब, बहुत बार श्री मुखवाणी चर्चाएं अभी तक बचपन से सुनते आए हैं, पर असर कितना हुआ है सुंदर साहब जी, क्योंकि हमें हर प्रसंग को अपने पर लेना है। अब उंगली उधर नहीं करनी है, उंगली अपनी तरफ करनी है कि तू मैं क्या कर रही हूं, मुझे कैसे सुधार करना है, मैं अपने पिया के दर्द से अभी भी दूर क्यों। चैतन्य जीव का स्वरूप तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, किंतु उसका स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर माया यानी मह तत्व आदि से बना है जी। अव्याकृत स्वप्न में स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है। अव्याकृत हमने देखा था ना सुंदर साहब जी, अव्याकृत ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म के मन के चार अंतस्करण हमने देखे हुए हैं ना सुंदर साहब जी, मन चित्त बुद्ध अहंकार हृदय के अंतस्करण, उनमें से मन जो है वो अव्याकृत ब्रह्म, और वो स्वप्न में स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाते हैं। यद्यपि ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है, उस पर ध्यान से सुंदर साहब जी, नींद या अज्ञान का आवरण कभी नहीं पड़ता, किंतु तो ये नींद नहीं है उनकी, मोह सागर यानी माया में अव्याकृत की सुरता के आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। उनको नींद नहीं आती ब्रह्म को, योग माया में नींद और स्वप्न नहीं होता है, पर उनकी भी सुरता सुंदर साहब जी आई है ध्यान, पर आत्म की भी सुरता आई है, अव्याकृत की भी सुरता आई है, अति सुंदर। मोह सागर में अव्याकृत ब्रह्म की सुरता यानी ध्यान, इनकी भी सुरता आई है, को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। यहां से ही ये जीव पैदा हुए हैं, यानी के वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। पहले जीवों का बताया सारा, बहुत सुंदर। पहले कहते हैं नींद में ही पैदा हुए हैं, वो नींद के बिगर रह ही नहीं सकते, अब कहते हैं तुम अपने को भी तो देख लो, मैं अपने को भी तो देख लूं। वासना होएगी बेहद की, बेहद में रहने वाली जो वासना, जो आत्मा, वो किसको नहीं छोड़ेगी, वो अपनी नींद को नहीं छोड़ते, हम अपने परम धाम को क्यों छोड़ देते हैं। सो क्यों छोड़े अपनी पर, वो अपने मूल घर को क्यों छोड़ेगी, वो सुपन में एक शब्द सुनते, अपने घर का, अपने पिया का, एक लवा, एक लवे हो सी टूक टूक,
एक शब्द सुनते ही उड़ जासी नींदर। अच्छा, एक शब्द सुनते ही, ये लिखा हुआ है सुंदर सा जी ब्रह्मवाणी में, निज घर के ज्ञान का एक शब्द सुनकर ही माया की नींद को छोड़ देगी, भले ही वो इस सपने के संसार में आई है पर अपने घर के बिना नहीं रह पाई। ये होता है लक्षण सुंदर साथ जी, हम कर पा रहे हैं ना ये अपने अंदर, हर सुंदर साथ इंक्लूडिंग मी, हम सब सुंदर साथ अपने अंदर झांकते जाएंगे। क्या हमने माया की नींद को छोड़ दिया है? कितने घंटे, कितने मिनट क्या दे रहे हैं धनी के इस ज्ञान को पाने में, प्रेम को अर्जित करने में, ज्ञान को पाने में? अभी तो जीव कितनी मेहनत कर पा रहा है सुंदर सा जी, और कितने घंटे माया की नींदर को समर्पित किए हुए हैं हमने, हम स्वयं प्रस्तुत करते हैं सुंदर सा जी। नहीं, मेरे बिना कैसे चलेगा पिया? तुम्हारी तो चल सकता है मेरे बिना, तुम्हारा तो आज तक 450 साल से चल तो रहा ही है काम, आपका तो चल सकता है, माया कैसे चलेगी धनी? इतने तन हमने छोड़ दिए, जब तन छोड़ा था तो चला था कि नहीं काम हमारे घर परिवार का? चला था ना, हमने एक और तन धारण कर लिया, फिर हम यही सोचते रहे कि कैसे चलेगा मेरे बिना, तो ये घर चल ही नहीं सकता, ये काम कैसे होगा मेरे बिना, मैं धनी को कैसे और वो ये भी नहीं कहते हैं कि पूरा टाइम मेरे पास बैठी रहो, कहते हैं दिल मुझे दे दो, बस दिल मुझे दे दो, थोड़ा सा समय दो, फिर उसको अपने दिल में बसा लो, बस मेरे में तुम्हारा ध्यान अटका रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सुंदर सा जी, ये कहते हैं। कितना सुंदर कहते हैं, कहते हैं जग माहे न्यारे रहो लगा रहे पियो ध्यान, पृथ्वी पे देहि रहे प्रीतम में रहे प्राण। ये यहाँ के संतों ने लिखा हुआ है, लगा रहे हरि ध्यान, पृथ्वी पे तुम्हारी देह रहे बस, पर ध्यान तुम्हारा प्रीतम, प्रीतम ही लिखा हुआ है संतों ने सुंदर सा जी, कबीर जी का है ये शायद, ध्यान तुम्हारा प्रीतम में रहे, देह यहाँ रहे, करती रहे देह ये सारे काम, किसने मना किया है? एक बार देह दुनिया को और दिल देकर देखिए सुंदर सा जी, आनंद कितने गुना बढ़ जाता है इस जीवन का, इस देह का, इस जीव का, इस आत्म का आनंद मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल फोर टाइम्स नहीं, मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स इसका आनंद भी बढ़ जाएगा। आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ सुंदर सा जी, क्यों ध्यान रख रहे हैं, माया का सारा कार्य कर रहे हैं, क्यों? सुख मिलेगा इनसे, सुख मिलेगा इनका करेंगे तो ये प्रेम करेंगे, इनका काम करेंगे तो यहाँ से सुख मिलेगा। कहते एक बार मुझे दिल दे के तो देख, तुझे पता ही नहीं सुख होता क्या है, तुझे पता ही नहीं किनका प्रेम लेने के लिए मर रही है, मरना छोड़ दो, करिए सुंदर सा जी सब कुछ करिए, कोई नहीं कह रहा अपनी जॉब्स छोड़ दीजिए, अपने बिजनेस छोड़ दीजिए, अपने घर के काम छोड़ दीजिए, बच्चों की देख रेख छोड़ दीजिए, सारे फर्ज निभाने हैं, ब्रह्म सृष्टि तो और आला तरीके से और बेहतर निभाएगी, आप एक बार दिल उनको दे के देखिए, यहाँ के रिश्तों में से, बंधनों में से मोह माइनस हो के जब ब्रह्म सृष्टि का प्रेम रह जाता है ना, खालिस शुद्ध प्रेम, तो वो रिश्तों में भी कितना प्यार आ जाता है, एक बार करके देखिए। कहते हैं प्रेमाणु जो होता है ना, परमाणु तो यहाँ के ध्वस्त कर देते हैं, प्रेमाणु भी होता है सुंदर सा जी, प्रेम का अणु, यानी के छोटा सा अंश, प्रेम की छोटी सी बूंद छू भी जाए ना अगर, एक बार आई नहीं अंदर, छू भी गई ना अगर अंदर सुंदर साजी, क्या बदल जाएगा
क्या मैजिक हो जाएगा, वी कांट इवन इमेजिन व्हाट विल हैपन। तो एक बार दिल दे के देखिए सुंदर साथ जी, पूरा दिन मस्त रह के देखिए पिया की मस्ती में काम करते करते। नोबडी इज सेइंग लीव योर माया, नो नो नो, डू इट, करिए, पर इनके लिए मरना नहीं है। मेरे पिया अब मुझे तू चाहिए, अब मुझे आप ही चाहिए, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं जिसको वहां की लगन लग जाती है ना, उसको यहाँ कोई बात उसको लगती नहीं है, उसके बाद कोई बात नहीं लगती। दुख सुख टकरा टकरा के उससे वापस लौट जाते हैं, और जिसको यहाँ की लगती है ना, हर बात लगती है ना जिसको, उसको वहां की अभी पड़ी नहीं है, वो वहां से जुड़ना ही नहीं चाह रहा है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ की बातें ही नहीं खत्म हो रही, कब ऊपर उठेंगे सुंदर साथ जी, हम कब ऊपर उठेंगे। बहुत सुंदर प्रबोध करती हुई, अति सुंदर ये वाणी, क्या कहते हैं, निज घर के ज्ञान का एक शब्द सुनकर, एक जिस दिन छू भी गया ना, ये प्रेम के अणु है ये सुंदर साथ जी, ये छोटे छोटे है ना, ये सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रेम के अणु है, ये छूने के लिए रखे हैं राज जी ने। ये राज जी वांग्मय स्वरूप उनके अंग हैं सुंदर साथ जी, दिल में आ जाएं तो धनी छू जाते हैं दिल। ये प्रेम की छोटी छोटी अणु मात्राएं जो प्यारी प्यारी है ना सुंदर साथ जी, ये जो शब्द है, ये जो बिंदी है, ये प्रेमाणु है, ये धनी ने हमारे लिए लिखे हैं, हमारे लिए दिल में लिया, ये लाड है राज जी का। एक शब्द सुनकर माया की नींद छूट जानी चाहिए थी। इतने वर्ष हो गए सुंदर साथ जी, पिया आज भी जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लेंदा मेरे सादे नाल मेरी बाह फड़ लई, मूल मिलावे दे शाने हुन मेरी बाह फड़ लई, हो मूल मिलावे दे शादे नाल मेरी अख लड़ गई। हर समय देखता रहता है, हर समय 24/7 टाइम्स 400+ ईयर्स दृष्टि केवल मेरी तरफ है उनकी, कहीं और नहीं है। हम सारा दिन इधर उधर भागते फिर रहे हैं, पर वो हमेशा हम पे दृष्टि, दिल मेरे विच बैठा रहंदा, मेरे वल ही वेखदा रहंदा, दिल मेरे विच बैठा रहंदा, मेरे वल ही तकदा रहंदा, आह परे मेरी यादे नाल, आह परे मेरी यादे नाल मेरी बाह फड़ लई, दिल दे शैन शाने हुन मेरी बाह फड़ लई, अर्श दे बादशाह दे नाल मेरी अख लड़ गई। वो नहीं रहता, एक मिनट नहीं रहता, दिल में बैठा रहता, देखता रहता है क्या कर रही है पूरा दिन। इसके पास मेरे लिए समय नहीं है, इसको पता ही नहीं मैं कितने अखंड खजाने अपने दिल में पेटियां खोल खोल के बैठा हूं, इसके लिए कहाँ सुख ढूंढती फिर रही है। बकरी नंबर 3 सुख वाली बकरी यहाँ पे रखी नहीं हुई है, तू कहाँ ढूंढती फिर रही, वो गुम हुई नहीं है जिसको तू ढूंढ रही है, वो नंबर ही मिसिंग है यहाँ पे। अखंड सुख वो तो मैं अपने हृदय में लेकर बैठा हूं, सारा वाणी के माध्यम से दे सकता हूँ। एक ही माध्यम है सुंदर साथ जी शुरुआत करने का, स्टार्ट बिगिनिंग के लिए श्री मुखवाणी, अंत भी सुंदर साथ जी। जुड़ना है श्री मुखवाणी से जुड़िए, सब कुछ मिलेगा,
फिर जब वो खुद पढ़ाएंगे इश्क आएगा, खुद वो पढ़ाएगा तो कितना आनंद आएगा, एक एक शब्द अंदर खुल जाएगा, जैसे प्रियतम बाहें फैला रहे हो ऐसे शब्दों की बाहें खुल जाएंगी सुंदर सा जी। एक शब्द सुनने का तात्पर्य बहुत ही थोड़े ज्ञान को सुनने से है, ये शब्द आलंकारिक भाषा में प्रयोग किया गया है। सत शब्द को सोई चीन्हे जो होए वासना ब्रह्म। पहले किसकी बात बताई सारी, हम उंगली उठा देते हैं फटाफट, देखो जीव सृष्टि ऐसे ही करेगी, वो तो नींद में ही रहेगी, कहते नहीं, ये भी देख लो एक बार, सत शब्द को कौन छीनेगा, जीव सृष्टि में से भी अपनी बात पिक कर लेनी है सुंदर साथ जी, वो तो फिर हमसे अच्छे हैं, अपने घर से लगे तो हुए हैं, कितने ईमानदार हैं अपने घर के प्रति, नींद से पैदा हुए हैं, नींद को छोड़ते नहीं है, पॉजिटिव उठा लीजिए उसमें भी। और हम परम धाम से आए हैं, परम धाम को भूल जाते हैं। सत शब्द को सोई चीने, कौन चीन सकता है इन सत शब्दों को, मेरे पिया जी को जो होए वासना ब्रह्म। ये शोभा ही तो दी है धनी जी ने, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वही अखंड धाम के सत शब्दों को, ज्ञान को पहचान उनकी ज्ञान की कर सकेगी। एसो ए तो असत उल्टिए खेल रच्यो है, देत दिखाई सब भ्रम, इस भ्रम में उलझना नहीं है सुंदर साथ जी, स्वयं का सारे घंटे सारा टाइम इस भ्रम को ही दे देना, ये तो उल्टा पड़ा हुआ है यहाँ पे सारा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। अखंड धाम के विपरीत ये तो असत उल्टिए खेल रच्यो है, अखंड धाम के विपरीत यहाँ का खेल उल्टा, प्रपंच पूर्ण मायावी इन प्रपंचों में फंसा रखा है, बी वेरी केयरफुल, सावधान होशियार खबरदार हो जाइए सुंदर साथ जी, इन प्रपंचों में हमने नहीं उलझना। मायावी असत्य अर्थात महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाने वाला है, कर लीजिए खुश सबको, कमा लीजिए जितना कमाना है, एवरीथिंग विल गो, क्या साथ में परम धाम के जाने वाला है, वो क्षण जाने वाले हैं जिन जिन पलों में हमारे हृदय में पिया से बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, श्री मुखवाणी पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, धनी में जो क्षण व्यतीत होते हैं ना, वो वहां जाकर बातें होंगी सुंदर सा, वो जाने वाले हैं, वो जो अंदर पिया बैठे एक पक्षा उसका भी खुला हुआ है, एक तो सारा खजाना पेटियां खोल खोल के बैठे हैं, एक खाली भी पड़ी हुई है, ये सारे मोमेंट्स भरने हैं उसमें, उस पेटी में लेके जाने हैं साथ में, हमारी तो खाली रह गई क्योंकि माया के ही भरते जा रहे हैं, जो साथ जानी नहीं यही नष्ट हो जानी है, एक पेटी वहां भी पड़ी है सुंदर सा जी, कितने मोमेंट्स उसमें जमा किए हैं, कहीं मेरी खाली जाएगी जिसने कुछ नहीं खाता, ऐसा ना हो सारी सखियां भर भर के, एक लीला ये भी होगी सुंदर साथ जी वहां जाके, हांसी का लिखा हुआ है वहां जाके, खुलवाएंगे पिया क्या क्या लाए हो मेरे लिए, क्या लाए हो, खेल में गए थे ना, मांग मांग के गए थे ना, क्या लाए हो मेरे लिए, कितना याद किया मुझे, कहती थी भूलूंगी नहीं, तू भूलेगी उल्टा तुझे भी याद करा दूंगी, और मैं भूलूं तो तुम याद करा देना, कितना कराया, क्या किया वहां जाके, कितनी मेरी बातें की, वो पेटी मेरी खाली खुलेगी तो कैसा लगेगा सुंदर साहब, और सखियों के ओवरफ्लो हो रहा होगा कि मेरा तो पिया जी इस पेटी में, इंद्रावती कहेंगी पूरा ही नहीं आ पाया, मुझे तो कम दिया, मुझे तो और चाहिए थी, और हम कहेंगे कि हमारी तो बिल्कुल खाली है पिया जी, कुछ भी नहीं किया हम। आज से शुरू करें सुंदर साहब जी, आज से शुरू करें, परम धाम द्रष्टव्य, परम धाम सत चित और आनंदमयी है, जबकि ये जगत उसका उल्टा असत जड़ और दुखमयी है, ये देखने योग्य बात है, द्रष्टव्य है ये, तो ये केवल पढ़ना नहीं है इसको सुंदर साहब जी, इसके मर्म को अगर हमने, इस एक लाइन के मर्म को यदि समझ लिया ना कि ये असत है, असत के लिए
कितना टाइम डिवोट करना है हमें 24 घंटों में से, वो तो कहते भी नहीं 12 मुझे दे दो, कहते हैं 1 घंटा सुबह एक शाम को दे दो, केवल मेरे पास बैठना चितवन में, केवल मेरे पास। पूरा दिन भागती हो ना, जड़ है, कितना समय इस जड़ को दे रहे हैं। और जिस सुख में भी दुख हो, छुपे हुए हो, जो सुख अखंड भी नहीं है, उनको कितना दे रहे हो, और आनंदमयी को कितना समय दे रहे हो। बहुत ध्यान से सुंदर सा जी, एक 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 शब्द को, उसके मर्म को हमने समझ जाना है। असत तिनको भरम कहिए, होत है जिनको नास। कहते हैं असत्य क्या होता है, जो भरम होता है, जो मिथ्या होती है। असत अर्थात मिथ्या वह है जो नश्वर है, जिनका नाश हो जाता है। इसे ही भ्रम यानी भ्रम भी कहते हैं। भ्रम का तात्पर्य क्या है, भ्रम का तात्पर्य ये है कि जिसका रूप कुछ और है, दिखता वो कुछ और है, और दिखाई कुछ और पड़ता हो। दिखता है कि इसमें इतना कुछ आ रहा है, पर वो बताते हैं ना, एग्जाम्पल आता है ना, एक कुत्ता होता है ना, हड्डी चूसता है, उसको लगता है वाह इसमें से तो रक्त आ रहा है, मुझे खाना मिल रहा है, आहार मिल रहा है, पर उसको पता ही नहीं होता कि वो अपना ही रक्त पिए जा रहा है, अपने ही रक्त को। तो वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और ही है। ऐसे लगता है ये जगत में सुख मिल रहे हैं, पर ये भ्रम है सुंदर सा जी। इसका रूप कुछ और है, ये प्रपंच है इस माया के। ये तो 14 चुटकी में चल जासी, ये तो 14 चुटकी में चल जासी, यो कहत सुख जी व्यास। शुक व्यास जी, शुकदेव जी और व्यास जी का क्या कथन है, चुटकी बचाने में जितना समय लगता है, ये 14 भवन जो है ना, एक चुटकी में मस ले जाएंगे। चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही अति अल्प समय में 14 लोक का ये ब्रह्मांड, हमारा छोटा सा ब्रह्मांड नहीं, जो हमारे आसपास लगा हुआ है ना, रिश्ते नातेदार मित्र संबंधी घर परिवार, ये चुटकी बजाते ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वो एक चुटकी में नष्ट हो जाएगा। बताइए पूरे साल, इतने सैकड़ों वर्ष, पूरी जीवन जीवन हम निकालते जा रहे हैं, क्या करने में, संग्रह करने में। प्रेम भी संग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से मिल जाए, यहां से। वो बोलते हैं मैं देने बैठा हूं, मेरे पास आती नहीं है, मांगती फिर रही है प्रेम भी, इनके लिए ये करूंगी तो ये मुझे प्रेम करेंगे। नहीं मिलेगा सुंदर साथी, यहाँ है ही नहीं, यहाँ वो बकरी नंबर 3 है ही नहीं। प्रेम और सुखों वो कोई नहीं है, वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नॉन एग्जिस्टेंट, उसका नंबर ही मिसिंग कर दिया गया सुंदर साहब। तो इसलिए कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड लय हो जाएगा एक चुटकी में। कितने साल लगाए इसको इकट्ठा करने में, अभी भी लगा रहे हैं, फ्यूचर की कितनी टेंशन है, ये हो गया तो ऐसे होगा, आज कम आए आज ज्यादा आए, बच्चों का क्या होगा, इसका 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 वॉट एवर। अरे बैठे हैं धनी सब देखने के लिए, वो खेल दिखाने लाए हैं, एक एक जर्रे पे उनकी नजर है, पत्ते पे नहीं, पत्ते की नस तक कहते हैं, इतनी डीप मेरी नजर है, तुम क्या सोच रही हो, इनका फ्यूचर तुम सेट कर लोगे, तुम्हारा ब्रह्मांड मैं बेस्ट संभाल सकता हूं, पर छोड़ के देख, एक बार छोड़ के देखो, करते जाओ रोजमर्रा के कार्य, फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, और लेने से भी ले लीजिए, लेने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तो होना तो वही है, होनी अनहोनी नहीं, और अनहोनी है तो होनी नहीं, जो होना है वही होना है। व्हाई आर वी वेस्टिंग आर टाइम लाइक जीव सृष्टि, वो तो यहाँ से पैदा हुए हैं, हम नहीं हुए हैं। हमें समय कहाँ लंगाना है सुंदर साथ जी, हमें समय पिया जी के साथ बिताना है, हमें समय पास नहीं करना, हमारे पास नहीं है, हमारा समय बहुत अनमोल है, हमें पिया जी के साथ स्पेंड करना है, बिताना है, खत्म नहीं करना है इसको। सोचिए एक पल में
धनी के दर्शन हो सकते हैं जिस पल में, चितवन में बैठ जाऊं, क्या पता आज ही हो जाए। पर वो पल आए तो सही, बैठे तो सही, क्या पता इतना साफ पिया अंदर से कर दे, उनको कितने क्षण लगते हैं करने में, मांग कर तो देखिए। पर वो क्षण हम कहाँ खो रहे हैं। तू उलट, कहते ये ब्रह्मांड उल्टा है तो तू भी उल्टा काम करना यहाँ पे। तू उलट, तू इसके साथ चिपके बैठी है, तू उलट याको पीठ दे, इसकी तरफ मुख ना कर, उल्टा कर ले इससे मुख, यानी के माया के जोन से, माया का भी वृत्त है पूरा, उसके जोन से मुंह बाहर की तरफ कर ले, तो मेरा जोन शुरू हो जाता है। जैसे ही पीठ देगी, थोड़ा ही आगे आएगी, मेरा प्रेम जोन स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, प्रेम में खेल पिया सो रंग, कहते इसको पीठ दे, इसके जोन में से बाहर आना शुरू करने का सोच तो सही। एक बार सोच, मैं पीठ दूंगी, प्रेम में खेल पिया सो रंग। ब्रह्मांड उल्टा है ना, तो इस मायावी जगत को पीठ देकर, ध्यान हटाकर यहां से, प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में डूब जाओ। बस सुंदर सा जी, ऐसे पीठ नहीं देनी है, फिजिकली नहीं देनी है, अंदर जो है ना, ये मन जो है ना अंदर, इसकी पीठ कर दो, इसको समझा के बिठा दो एक बार कि नहीं जाना इस तरफ, समय नहीं है हमारे पास अब। जैसे ही हटना शुरू हुआ, बहुत आनंद है इस स्थिति में, बहुत आनंद है सुंदर सा जी। जब हम निर्लेप हो जाते हैं ना, कोई लेप नहीं चढ़ता हमारे ऊपर, शुद्ध आत्म स्वरूप हो जाते हैं ना, जीव के स्वभाव का लेप चढ़ गया उसके ऊपर, और जैसे ही मन पीठ देता है ना, वो लेप की पपड़ी उतर के ना गिरनी शुरू हो जाती है, आत्म स्वरूप का बोध होने लगता है ना, तो जीव टल होसी आत्म, इतनी आनंदमयी ये स्थिति है सुंदर साहब जी, कोई नहीं पहुंच सकता वहां तक, बाहर से कोई टच भी नहीं कर सकती, यहाँ की कोई घटना, कोई दुख, कोई सुख, कोई भी घड़ी उसको टच नहीं कर सकती जाके। उसके बाद अगर एक बार ऐसा हो गया, माया लाख जोर लगा ले, वो वापिस नहीं चढ़ा सकती उस पे, वो लेप वापिस पिया नहीं चढ़ाने देंगे। कहते एक बार प्रयास कर ले, उसके बाद मैं ही करूंगा, वो भी शोभा तुझे दे रहा हूं, कर मैं ही रहा हूं वो, पर तू विश्वास रख, तू ईमान रख, इस मायावी जगत को पीठ देकर, ध्यान हटाकर, प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में, प्रेम में खेल पिया सो रंग, जागनी रास खेल उनके साथ। बड़ा कम समय बचा है, सोचो 400 साल से पन्ना जी की तरहटी में खेल रहे हैं मोमिन उनके साथ, सारे सुख ले रहे हैं, इतने सालों से वो ब्रह्मात्माएं सुख ले रही हैं सुंदर साहब जी, जाग कर। हमारे तो वो सारे वर्ष जा चुके हैं, अब तो गिने चुने बचे हैं, कहीं ये भी ना चले जाएं। सो आए मिलेंगे, ओहो राज जी कहते हैं तुझे कुछ नहीं करना, सो आए मिलेंगे, आप ही सब कुछ आप ही कर लेंगे, जासो तेरा है सनमंद, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल इस जगत को पीठ दे दे, तुझे कुछ नहीं करना, इसको दिल, सुंदर साहब जी जिस तरफ दिल होता है ना, वो ही दूसरी तरफ कर ले, पीठ दे दे उसको, दिल ही राज्जी के जोन की तरफ कर ले, पीठ देंगे तो दिल की दिशा वैसे ही उधर हो जाएगी, पिया जी की तरफ। अभी हमने माया की तरफ मुंह कर रखा है, तो दिल भी उसी को दे रखा है, मुंह जिधर होता है ना, दिल उधर चला ही जाता है। अब कहते हैं फेस ही अपना पिया की तरफ कर लो, बैक कर दो माया की तरफ, दिल अपने आप ही उनकी तरफ चला जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कहते हैं सो कितने प्यारे हैं राजी, इतना सुंदर, उस दिन एक चौपाई भी लिखी हुई थी सुंदर साहब जी, कहते हैं तुम लेट भी आ रहे हो ना, तुम सबसे पीछे भी आ रहे हो ना, तो भी तुम मेरे सच्चे यार,
ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गए हैं मैं उन्हीं से प्रेम करता हूँ, तुम सबसे बाद में भी आ रहे हो ना तो भी तुम मेरे सच्चे यार, तो भी तुम पीछे नहीं हो, तुम आओ तो सही। ओ आए मिलेंगे आप ही जो बैठे हुए हैं करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम करते हैं, हम तो करते ही नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं, अगर करते भी हैं तो उनका दिया हुआ है वो भी सुंदर साजी, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते हम। उनके मेरे मूल स्वरूप के हृदय में ये बात आ गई है कि इसमें प्रेम की छोटी सी बूंद डाली जाए तब आई है, नहीं तो वो भी नहीं आएगी, उनके बिना दिए वो भी नहीं आ सकती। कहते हैं ओ आए मिलेंगे आप ही जासो तेरा है सनमंद, ये याद रख लीजिए सुंदर साथ जी, स्वयं कोई कंप्लेंट नहीं, पिया कब आओगे मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, हैं कमियां सुंदर साथ जी एक्सेप्ट दोस, और कहिए पिया आप ही दूर कीजिए, एंजॉय द प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया चल रही है ना दिस इज सो ब्यूटिफुल, परम धाम में ये प्रक्रिया नहीं है, परम धाम में वी डोंट हैव दिस प्रोसेस, तो आनंद ले लीजिए, ये प्रोसेस दोबारा नहीं मिलने वाला, और प्रोसेस शुरू करने के लिए वाणी से बहुत प्यार कीजिए, चितवनी में बैठना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, दिस इज सो ब्यूटिफुल, इतना आनंद होता है, सोचिए कबीर जी इनके जैसे संतों को इतना आनंद, इतने अलमस्त रहा करते थे, मीराबाई कितनी, कबीर जी तो फिर भी योग माया से हैं, मीराबाई तो यहीं से हैं, पर कितने आनंद में मग्न, क्योंकि कृष्ण जी से प्रेम इतना करती हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको जहर का प्याला भी दिखाई नहीं देता, पी जाती हैं उसको, कितना प्रेम पिया करते हैं सुंदर साथ जी, ओ आए मिलेंगे आप ही तुम चिंता ना करो कब आओगे पिया जी कब आओगे, हमने किया ही क्या है सुंदर साथ जी ऐसा कि वो आ जाएं, कहते हैं अपने आप आके मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि सन्मंद है, निस्बत से ठग लिया है हमने उनको सुंदर साथ जी, निस्बत है हमारी उनसे बस, और कुछ नहीं कर रहे हम, पिया की मेहर है ये कि उनसे हमारा संबंध है, उनसे हमारी निस्बत है, जिसकी कारण से ये शब्द भी हमारे अंदर जा रहे हैं, छू रहे हैं, दिल को छू रहे हैं, खटखटा रहे हैं, चोट कर रहे हैं, कि वो दरवाजा खुल जाए जिसमें मेरे धनी बैठे हैं, धाम धनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, कितना प्रेम कर रहे हैं, छोटी सी कोई बात भी कहते हैं ना महामती जी फिर प्रेम उड़ेल देते हैं पूरा, तुम्हारे मुख कर माने नहीं मैं सह सकता, ये देना भी जरूरी है, दवाई देनी जरूरी है, पर ये ले चीनी खा ले तेरा मुख कड़वाना हो जाएगा, इसलिए वो निश्चय ही तुमसे आकर मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, तेरे संगी, ये लास्ट चौपाई है इसलिए सुंदर साथ जी इनको कर लेते हैं, तेरे संगी तोहे अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार, कहते हैं करार क्यों नहीं है तेरे मन को, श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा तू अपने मन में शांति करार क्यों नहीं रख रही है, अपनी आत्म को नहीं कहते, उनको तो करार मिल चुका है पिया के अंदर आते ही, वो तो करार का सागर है, उनकी तो एक झलक एक बूंद करार का महासागर है सुंदर साहब जी, अपनी आत्मा को नहीं हमारी आत्मा को कह रहे हैं, महमत मन को दृढ़ कर समरथ है वो श्याम भरतार, तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ, ये संदेश है सुंदर साहब जी, छुपा हुआ संदेश है हमारे लिए, कहते हैं शांति रखो करार रखो, क्योंकि इस समय अपनी आत्मा से भी बात कर रहे हैं कि सारे सुंदर साथ की जागने की चिंता है सुंदर साथ की, कहते हैं बहुत जल्दी मिल जाएंगे तुझे सारे सुंदर साथ, और हमें भी कह रहे हैं तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ तुझे बहुत जल्दी मिलेंगे, हमें मिले हुए हैं पर कितना प्रेम हम उनसे कर पा रहे हैं, कितना करार उनको दे पा रहे हैं और कितना खुद ले पा रहे हैं सुंदर साथ जी,
महमत मन को दृढ़ कर, तुम अपने मन में इस बात पे दृढ़ हो जाओ। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रियतम है ना, समरथ श्याम भरतार, तुम्हारे प्रियतम तो सर्व समर्थ अक्षरातीत है। महामती जी कह रहे हैं सुंदर साथ की जागनी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रियतम सर्व समर्थ हैं, जिनकी मेहर से कुछ भी असंभव नहीं है। ही कैन डू एवरीथिंग। इस ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दीजिए, योग माया क्या, परम धाम का एक पत्ता उनके हुक्म के बिना नहीं हिल सकता, क्योंकि वो स्वयं ही है। वहां पर हुक्म की लीला नहीं होती है, वहां प्रेम की लीला होती है। पर प्रेम कौन है, इश्क कौन है? इश्क अक्षरातीत ही तो है सुंदर साथ जी, पिया जी ही तो है। एक पत्ते के अंदर भी उनका हृदय कार्य करता है, उनकी मेहर से तो कुछ भी असंभव नहीं। हम यहाँ की छोटी 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 चीजें मांग के अपनी गरिमा और उनकी गरिमा, हमें क्या बनना था? प्रेम की ध्वजा बनना था, रथी की गरिमा को बढ़ाना था हमने। हमने तो ध्वजा ही गिरा रखी है सुंदर साथ जी, ध्वजा का मुंह किधर किया हुआ है? माया के सुखों की ओर किया हुआ है, गिरी पड़ी है नीचे। खड़ा करना है सुंदर साथ जी अब उसको। वाणी चोट कर रही है, प्रबोध कर रही है, और साथ ही साथ मुख कर माने भी वांग्मय स्वरूप भी देख नहीं पा रहा। छोटी सी कुछ बात भी करते हैं, मिठास घोल देते हैं उसके बाद कि नहीं, मैं तुम्हारे मुख ऐसे नहीं देख पाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यदि कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे, मैं चरण रज भी नहीं हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग योर चरण रज। मैं आपकी चरण रज बनना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, उसके प्रोसेस में से ही निकल रही हूँ आपके चरणों में। कोटान कोट प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर अर्जी सुषमा जी के मुखार। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सर। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी की जियो, मैं अरज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ जो, कोई दूसरा हो ए जी। शव विधवाला जी, शाम रत दिन रेन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के करे जी। जब तुम आप दे खाओगे, तब देखूंगी नैन नजारे जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जीने जी।
किन किन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, इति अरज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी, सोआड़ी यंत्राय टाल के लिजु दुल्हा कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सूपिया कीजिए हास विलास जी, वारणी जमी श्री इंद्रवती पिया राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी, इश्क सों सेवा करूं पिया सब अंगों सख्यात जी, सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि। सात जी प्रिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अरज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।